हेलो दोस्तों, इसके पहले आपने यूनियन बैंक का शेयर के बारे में आपने देखा था। मैंने वीडियो पहले बनाया था और मैंने SL दिया था 33 रुपये, और फिलहाल में इस SL तोड़ने के उम्मीद में नहीं दिख रहा है। अभी देखिए आज का हाई बनाया है 35 रुपये, लो है 34.35, ओपन हुआ 34.80 पैसा, क्लोज है 34.70 पैसा, प्राइस 34.70 चल रहा है, और वैल्यू में 22,700 इसका वैल्यूम लग चुका है। तो कृपया आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेक्निकल पर, और देखिए यहाँ से ये ऊपर की ग्रोथ मार रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे आया है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो आप लोग यहाँ से बाई सेल का लोग आर्डर ले सकते हैं। पहला बाई बनता है 33.20 और दूसरा टारगेट बन रहा है 32.40 और स्टॉप लॉस 31। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, जो वीडियो पहले बताया था आप उसके पहले ये अंतराल में वो चल रहा, तो नीचे कहाँ से आएगा ये ऊपर ही चल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और सेल टारगेट मैंने बता दे रहा हूँ। पहला सेल टारगेट बता 36.50 और दूसरा बढ़ रहा है 39.30, इतना ये पड़ रहा है सेलिंग प्राइस। और वीडियो बस नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, और अपने एनालिस्ट से बाई कीजिएगा, और मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, अपना दिमाग थोड़ा लगाइएगा, हमारे कहने पर मत जाइएगा। तो यहाँ पर आपने वीडियो देख लिया, अब ये होता कि देखिए आज येस बैंक बढ़ा है, येस बैंक इस वक्त 13.65 पैसे चल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। महीने में फाइनेंस चल रहा है 161 रुपये से अधिक चल रहा है, और इन्फोसिस देखिए 1400 के नीचे है। तो आप लोग यहाँ इतना ध्यान में रख लीजिएगा, और PNB बहुत हाई वैल्यू में वो भी लगा चुका है, और इको बैंक भी अच्छे खासे मूड में चल रहा है, और वी गार्ड शेयर जो है वो भी 280 करीब चल रहा है। तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मेरा देना काम है, तो कृपया आप लोग का चैनल में बने रहें, और डिलीवरी में आप लोग ट्रेड ना करें, बिल्कुल ट्रेड ना करें, और डिलीवरी में करें, सॉरी सर, आप लोग इंटर डे ना ट्रेड करें, डिलीवरी में हमेशा बने रहें और अपने मुकाम की तरफ बढ़ें। अब देखिए इस समय 34.75 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, तो आप लोग कृपया हमेशा डिलीवरी में ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा हमेशा सेफ रहेगा। और वीडियो में हमेशा ही अपने नॉलेज पर्पज से बनाता हूँ, तो कृपया आप देख लीजिएगा, और आप लोग का पैसा है, और इसको चार्ट देख ही रहे हैं, आप लोग भी चार्ट देख लीजिएगा, जो भी जहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं, और अपना थोड़ा दिमाग लड़ा लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ से 34.75 अगर 5% मार देता है, ये बहुत ही 1.70 रुपये पड़ जाएगा यहाँ से, तो आप ध्यान में रखिएगा, देखने के मौका है। कभी ये क्या है कि ये स्टॉक जो है ये 4-5 रुपये रनिंग में आता है, तो देख रहे हैं इधर काफ़ी यहाँ पर गिर गया था, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, और ये PNB के साथ चलता है, बस उसे ये अधिक 1 रुपये रहता है, या चाहे उसे 3 रुपये लो रहता है, तो लो के हिसाब से इसको 39.50 होना चाहिए था, मगर 39.50 पे ना होगा 34.70 चल रहा है, तो करीबन ये 5 रुपये नीचे ये चल रहा है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके बताइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मैं इतना ही वीडियो में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद वेरी मच।